हेलो दोस्तों नमस्कार। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नोवा एक्सचेंज में रजिस्टर कैसे करना है, नोवा एक्सचेंज में अपना आईडी कैसे क्रिएट करना है। आपको ये चीज़ सीखना है तो हमारा इस और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप देख पाएं सबसे पहले, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में न्यू ऑनलाइन से अर्निंग की जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल तक आप पहुंच पाएं, आपको आपके मोबाइल पर हमारा इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि क्या अपडेट है ऑनलाइन अर्निंग से, ऑनलाइन बिजनेस से आपके पास पहुंच सके। सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा हमारे द्वारा। नोवा एक्सचेंज में आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको सर्च बार में यहाँ पे लिख लेना है nova exchange.com लिख के ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, तो सिंपली अगर आईडी बनाए होंगे तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है और नई आईडी बनाना है तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है, क्योंकि पहले रजिस्टर करना है, ठीक है। तो रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। टिक लगाने के बाद कैप्चा फिलअप करना होगा, तो कैप्चा में देखिए क्या लिखा हुआ है, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, तो इसमें देखिए कौन सा अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उस पे क्लिक कर दीजिए। और वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये टिक का निशान लग गया और लगने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, साइन अप विथ नोवा एक्सचेंज, तो आपको यहाँ पे डालना है अपना, यहाँ फर्स्ट नाम अपना डाल देना है, यहाँ पे लास्ट नाम है ना, और यहाँ पे अपना यूजर नाम, जो आप अपना यूजर नाम रखना चाहेंगे वो यहाँ पे आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ कंट्री, कौन सा कंट्री से हैं वो यहाँ पे डाल लेंगे। ये देखिए अपना नाम डाल लिया, लास्ट नाम डाल लिया और यूजर आईडी अपना डाल लिया, ठीक है। और डालने के बाद ये कंट्री चूज कर लेंगे, कौन सा कंट्री से है वो कंट्री चूज कर लेंगे। हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, इंडिया से है तो इंडिया यहाँ पे चूज कर लेंगे, इंडिया, देखिए यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। चूज करने के बाद फिर यहाँ पे हम टिक लगाएंगे और टिक लगाने के बाद यहाँ देखेंगे क्या बोल रहा है, व्हीकल, तो जो यहाँ व्हीकल है सब पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर बोल रहा है व्हीकल, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ गाड़ी का निशान है उसको हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वेरीफाई पर आप क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, सही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, ठीक है। आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पे पासवर्ड रिपीट, वही पासवर्ड डालना है जो इसमें पासवर्ड डालेंगे, वही पासवर्ड इसमें भी डालना है और पिन डालना है। पिन ध्यान दीजिएगा, पिन डालिएगा 4 अंक का, ये आपको विड्रॉल करने में टाइम पे काम आएगा, इसमें से निकालने पे, बिटकॉइन निकालने के टाइम ये पिन का ज़रूरत पड़ेगा आपका। पिन 4 अंक का डालिएगा, जैसे आप अपना एटीएम कार्ड का पिन जैसे रहता है वैसे इसमें पिन डालना होता है, ठीक है। और फिर वही रिपीट पिन डालना है और डालने के बाद फिर इसमें कैप्चा फिलअप कर लेना है, ठीक है। कैप्चा फिलअप सही का निशान कर लेने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए ये सब डिटेल में भर के कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ये स्टोर फंड पूछेगा, तो स्टोर फंड मतलब जो सामने वाला दिख रहा है उस पे क्लिक करना है, ठीक है। सामने वाले पे क्लिक करके ये वेरीफाई पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ये सही का निशान हो गया। अब चलिए मैं यहाँ अपना पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड और पिन नंबर डाल के, और डबल पिन मतलब यहाँ पासवर्ड डालना है जो इसमें डालेंगे वो इसमें भी डालना है, जो पिन इसमें डालेंगे वही चीज़ इसमें भी डालना है। और डालने के बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसा पेज ओपन होगा। ये देखिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया पासवर्ड डालने के बाद, सब डालने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर अब आपको डालने के लिए बोलेगा ईमेल आईडी, रिपीट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। ईमेल आईडी, रिपीट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और इस पर क्लिक करना है, फिर कैप्चा फिलअप करना होगा। तो चलिए ये सब मैं कर लेता हूँ।
ये देखिए मैंने अपना ईमेल आईडी, रिपीट ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर डाल दिया हूँ। फ़ोन नंबर आप लोग डालते टाइम ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अपना इंडिया का कोड है +91, तो ये चीज़ सबसे पहले डालना, +91 डालने के बाद अपना फ़ोन नंबर डाल लीजिएगा, ठीक है। और डालने के बाद यहाँ पे टिक लगाइएगा, टिक लगाने के बाद फिर कैप्चा फिलअप करने के लिए आएगा, तो ये बोल रहा है स्ट्रीट साइन इन, तो आप देखिए स्ट्रीट साइन कहाँ है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे है, ये है स्ट्रेट साइन, इसको बोलते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब बोल रहा है पाल्म ट्री। अगर आपको नहीं समझ में आएगा इसका तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कार कहाँ कहाँ है, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, करने के बाद ये देखिए सही का निशान हो गया। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट नाम लिखा रहेगा, आपका लास्ट नाम लिखा रहेगा, आपका यूजर नाम लिखा रहेगा और आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। फिर अब आप यहाँ फिर कैप्चा फिलअप करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे फिर आएगा आपके सामने कैप्चा। तो यहाँ लिख रहा है स्ट्री साइन, तो साइन देख लीजिए कहाँ कहाँ है, ये सबको साइन बोलते हैं, इस पर क्लिक करके और वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये आपका टिक लग गया। अब आप कंटिन्यू एंड क्रिएट द अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे इस पर। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए आपके सामने ऐसा पेज ओपन हुआ, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोल दिया वेलकम टू नोवा एक्सचेंज, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुल, है ना। तो आपका अकाउंट नोवा एक्सचेंज पे बन गया और यहाँ पे आप देखिए लिख रहा है कि अपने ईमेल पे जाइए, हाँ वहाँ पे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए योर कंटिन्यू ईमेल आईडी पे जाके। तो चलिए मैं ईमेल आईडी पे जाता हूँ। तो ईमेल पे आप जैसे जाएंगे अपने ईमेल आईडी को साइन करेंगे तो ईमेल पे देखिए नोवा एक्सचेंज पे, नोवा एक्सचेंज से मैसेज आया हुआ है वेलकम टू नोवा एक्सचेंज, आप यहां देख सकते हैं जीमेल पे आपको मैसेज आ गया है। चलिए इस पर मैं क्लिक करके देख लेता हूं क्या है। देखिए यहां पे वेलकम राजेश गुप्ता फर्स्ट अप ये सब लिखा हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ क्लिक द लिंक टू वेरीफाई योर अकाउंट, मतलब आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, लिंक करेंगे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिवेट, मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया और सक्सेसफुल हो गया। अब ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो लॉगिन करेंगे अपना यूज़र आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। तो मैंने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया हूँ और पासवर्ड डालने के बाद फिर यहाँ टिक करेंगे, ठीक है, टिक करने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ स्ट्रीट साइन बोल रहा है, तो ये स्ट्रीट साइन पर हम टिक लगा लेंगे जहाँ जहाँ है, ठीक है। लगाने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक कर दिए, देखिए ये टिक का निशान लग गया और अब साइन इन पे क्लिक कर देंगे। ये पासवर्ड बोल रहा है सेव करने के लिए, तो कभी भी आप कोई भी अकाउंट को सेव नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैनुअली रखना चाहिए, कभी नहीं, है ना। ये सेव करके कितने लोग करते हैं कि मतलब सेव कर देते हैं, तो ये चीज नहीं करना चाहिए, मैनुअली आपको करना चाहिए, आईडी पासवर्ड सब कुछ मैनुअली डालना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया। अब आपको गूगल एथेंटिकेटर लगाना है, आप चाहे तो गूगल एथेंटिकेटर का कोड लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। आपका ये आपका नोवा एक्सचेंज का अकाउंट बन गया है, आपको अब कुछ नहीं करना है, एथेंटिकेटर का कोड लगाना होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो मिल जाएगा, फुल प्लान वाला वीडियो, उसको देख लीजिएगा और देखने के बाद गूगल एथेंटिकेटर लगा लीजिएगा, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए लगाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एथेंटिकेटर का कोड कैसे लगाया जाता है, आपको वो वीडियो देखना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा तो आप देख पाएँ सबसे पहले। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, जय हिंद जय भारत। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।